हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए गाइस, मेरा चेहरा कितना स्वेलिंग स्वेलिंग सा लग रहा है क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी थी। मैं जहाँ जा रही हूँ अभी, वहाँ जाने के लिए मुझे 6 बजे बस है और वहाँ से मैं वापस 6 बजे शाम को ही आऊँगी। तो मैं ब्रेकफास्ट लंच दोनों अपने साथ ले जा रही हूँ, इसके लिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ा। अब मैं ये चौक पर खड़ी थी तो मुझे बस मिली जो नीचे कमोटा की तरफ जा रही थी, तो मैं उसमें जाकर बैठ गई। क्योंकि अगर मैं यहाँ से जहाँ पर मैं खड़ी थी चौक में, वहाँ खड़ी होती तो रिटर्न जब वो बाज़ार से वापस आता तो मुझे शायद सीट नहीं मिलेगी। तो लेकिन अभी सुबह का वक्त था तो शायद मिल भी जाती, तो फिर भी मैं सोची चलो यहाँ खड़े होने से अच्छा मैं बस में नीचे चले जाती। ये देखिए, ये पिंकी सिस्टर है जो ककाना जा रही है अपनी ड्यूटी, और यहाँ पर सब बाज़ार पर ही आकर चढ़ते हैं। ये बस अभी गोल टिकरी से आई, गोल टिकरी से बाज़ार आके फिर वापस गोल टिकरी होते हुए ककाना पिलपिलो जाकर आती है। तो यहाँ से सब बाज़ार से ही चढ़ जाते हैं क्योंकि सीट मिलना है, बहुत दूर जाने का रास्ता दूर है, इसीलिए कितने देर खड़े रहेंगे, इसीलिए सब बाज़ार से ही चढ़ जाती है। देखिए अब हम बाज़ार से ऊपर जा रहे हैं, सारे दुकानें बंद है क्योंकि सुबह का वक्त था। और अब हम पहुँच गए हैं छोटा आना का। मैंने वीडियो बीच से कट कर दिया क्योंकि आप हमेशा वो मेरे जो रास्ता वो देखते ही रहते हैं। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल जहाँ मुझे जाना है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये सब तो आप हमेशा मेरे वीडियो में देखते रहते हैं, ये सब छोटा आना का है गाइस। देखिए अब हम छोटा आना का क्रॉस कर रहे हैं। मैं सुबह 6 बजे चढ़ी थी और वहाँ मैं सुबह 8 बजे जाके पहुँची थी। ये फायर सर्विस है, गोल टिकरी है गाइस। ये गोल टिकरी का ये जो यहाँ पर क्वार्टर्स है, हमारे मेडिकल के भी क्वार्टर्स यहाँ पर है। ये जो क्वार्टर्स गोल टिकरी के है, वहाँ के भी वीडियो मैं कभी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ इसका भी वीडियो शूट करूँगी तो ज़रूर मैं आपको अपलोड करके दिखाऊँगी। और अब आगे आएगा गाइस, गोल टिकरी जो है वहाँ का स्कूल मैं पहले वीडियो में आपको दिखाना चाहती थी लेकिन वो वीडियो में मैं शायद अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी। तो अब मैं दिखा रही हूँ, देखो गाइस सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है वो है गोल टिकरी स्कूल जो 12 तक है। और ये रास्ता गाइस ये जो अंदर जा रहा है ये एसटीएस कॉलोनी है, यहाँ पर ही एसटीएस का ऑफिस भी है और एसटीएस के क्वार्टर्स भी यहीं पर ही, गैरेज वगैरह सब यहीं पर है। पहले बाज़ार में हुआ करता था, अब यहाँ पर कमोटा बाज़ार पे हुआ करता था, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया। यहाँ से बस कमोटा बाज़ार जाती है फिर वहाँ से रिटर्न फिर वापस आती है। अभी सुबह यहाँ से निकल के नीचे गई थी कमोटा की तरफ, अब कमोटा से वापस यहाँ गोल टिकरी होते हुए जा रही है। ये देखिए गाइस, इससे सामने तो आपने हेलीपैड मेरे पहले वीडियो में देख लिया है, तो ये है हेलीपैड। और ये हम आ गए हैं बड़ा आना का, ये है बड़ा आना का स्कूल जो यहाँ 5th तक क्लास है। और यहाँ पर है आंगनवाड़ी सेंटर है ये, और उसके बाद ये हमारा कम्युनिटी हॉल है जो हर विलेज में है। ये सारे शेल्टर्स तो आप हमेशा देखते हो, आप यहाँ के जितने भी विलेज जाएंगे आपको ऐसा ही शेल्टर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सुनामी के बाद जो शेल्टर बनाए हैं उसी पर ही सब रहते हैं। तो अब हम बड़ाना का क्रॉस कर रहे हैं। ये बड़ाना का चर्च है, देखिए गाइस उसी के ऑपोजिट में ही वेलनेस सेंटर है जो मैं इस साइड बैठी थी तो मैं अच्छे से उसको शूट नहीं कर पाई। ये वेलनेस सेंटर है, बोर्ड दिख रहा है गाइस, देखिए ये हमारा बड़ाना का वेलनेस सेंटर जो चर्च के ऑपोजिट में है। और ये हमारा बड़ाना का ही है, हम जा रहे हैं धीरे धीरे। जगह जगह से लोग चढ़ रहे हैं जाने के लिए, किसी को ककाना जाना है, किसी को पिलपिलो जाना है। और मैं कहाँ जा रही हूँ गाइस ये मैं आपको भी बताऊँगी। मैं जा रही हूँ गाइस पिलपिलो। पहले ये देख लीजिए गाइस, ये सामने जो उस साइड रोड गया वो ककाना पिलपिलो था, अब हम जो जा रहे हैं जिस रोड पर वो है विकास नगर। ये आप पहले भी देख चुके हैं फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, ये है विकास नगर, ये है उसका स्कूल, ये भी मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, फिर भी और एक बार देख लीजिए क्योंकि ये रास्ता तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ, यहीं से ही आना जाना करना पड़ेगा ही आपको। तो यह है विकास नगर, विकास नगर का ही भी मैं सोच रही हूँ कि अलग से एक वीडियो आपको बना के दिखाऊँ। वैसे ये छोटा ही विलेज है, उतना बड़ा विलेज नहीं है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं जहाँ तक गई मैं देखी हूँ, मुझे लगता है कि ये छोटा है। अगर मुझे मौका मिले यहाँ आने का तो मैं यहाँ की वीडियो भी आपको अच्छे से शूट करके दिखाऊंगी। ये जो रोड है वो आगे जा रही है, वहाँ पर आगे सब सेंटर है, यहाँ पर वेलनेस सेंटर नहीं है, यहाँ पर सब सेंटर है और उससे आगे कम्युनिटी हॉल और आगे विलेज है। तो मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गई, मेरा ज़्यादातर काम कम्युनिटी हॉल में रहता था तो मैं कम्युनिटी हॉल ही तक जाकर वापस आ जाती थी और मेरे सब सेंटर जाती थी। उसके अलावा मैं आगे ज़्यादा विलेज के अंदर नहीं गई हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी ये विकास नगर की वीडियो भी अपलोड करके आपको दिखाऊँ। थोड़ी देर बस यहाँ पर रुकी है, यहाँ से सारे पैसेंजर चढ़ रहे हैं
तो मैं जा रही हूँ गाइस पिलपिलो पिलपिलो, मेरा जो पोषण माह का प्रोग्राम था तो मैं उसमें जा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के भी अपनी वीडियो सेंड करके दिखा दूँ, मेरे पिलपिलों की जो यात्रा है वो आपको भी मैं दिखा दूँ, इसलिए मैं शूट करके दिखा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ पिलपिलो। मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आप पिलपिलों की भी वीडियो बनाइए, तो जिनकी भी ख्वाहिश तो मैं पूरा कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये है ककाना। ककाना का वीडियो तो मैंने आपको पहले भी अपलोड करके दिखाया है, फिर और एक बार देख लीजिए, क्योंकि बस आज ककाना होते हुए पिलपिलो जा रही है। कभी मतलब एक दिन ऐसा होता है, एक दिन पिलपिलो होकर ककाना आती है, तो आज हमारा जो बस था वो ककाना होके पिलपिलो जा रही है। तो इस वीडियो में आपको ककाना भी देखने को मिल गया, अगर डायरेक्ट पिलपिलो होता तो आपको ककाना देखने को नहीं मिलता। ये सारे जा रहे जो ये स्कूल के बच्चे, ये गोल टिकरी स्कूल के बच्चे हैं, ये अब यहाँ से गोल टिकरी जाएंगे, फिर वहाँ का स्कूल पढ़ते हैं बच्चे तो वहीं जाते हैं। ये सारे ककाना के मैंने तो आपको ये वीडियो सब दिखा दिया है, और एक बार देख लीजिए, अगर अच्छे से आपको ककाना देखना है तो आप मेरे ककाना वाले वीडियो में देख लीजिए। ये देखिए हमारी पॉली जो हमारे मेडिकल में ड्यूटी करता है, वो भी यहीं का रहने वाला है, तो वो अब वापस जा रही है। ये मंडे मंडे जिस दिन मैं गई थी, मंडे मंडे थी, तो ये पॉली हर दिन सैटरडे को अपने घर आता है ककाना, फिर उसके बाद वो मंडे के दिन में वापस जाता है। तो ये मंडे को अभी जा रहा है वापस अपने ड्यूटी पे, वहाँ पर वो अपने किसी रिलेटिव के घर पे कमोटा में रहता है, यहाँ पर उसका अपना घर है। तो ये सारे पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अब यहाँ से बस निकल के जाएगी पिलपिलो। ये देखिए मैं बैठी हूँ और मेरे फेस पर ही धूप लग रही है। मेरी हालत बहुत बुरी थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी, वैसे रात को भी मैं लेट से सोई थी, इसलिए मेरा ऐसा हालत है, वैसे होता नहीं। ये देखिए गाइस, अब हम टर्न करके वापस जा रहे हैं पिलपिलो। उस साइड जहाँ से अब हम आए वो ककाना का था, फिर अभी जो रोड दिखी थी वो बाज़ार की तरफ, जो कमोटा बाज़ार की तरफ जाने वाली रास्ता थी, अब हम आ गए हैं पिलपिलो। ये है पिलपिलो की शुरुआत। यहाँ पर एक शेल्टर अलग से बना हुआ है, मैं इस साइड बैठी हूँ तो उस साइड का थोड़ा दिखा नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर भी एक शेल्टर बना हुआ है जिसमें रहते हैं, ये यहाँ से ही शुरुआत है पिलपिलों की। देखिए गाइस, ये वहाँ जो दिख रहा है एक छोटा सा घर के टाइप में, उस साइड एक रास्ता जाता है जो समुंदर की तरफ जाता है, जो पिलपिलो जहाँ पर हम पिकनिक वगैरह जाते हैं, पिलपिलो ही बीच है जो सबसे सुंदर है कमोटा में। अभी तो फ़िलहाल वो भी बहुत गंदा हो चुका है, बहुत से लोग आना जाना करके गंदा करके रखे है। तो फिर मैं दिखाऊंगी वो वीडियो भी, मैं दिखाऊंगी आपको पिलपिलो बीच की, क्योंकि मैं वहाँ पर भी गई थी। मैं पूरा कोशिश करी कि जितना कवर कर सकूँ उतना करूँ। तो ये सारे पिलपिलो के ही है जो भी दिख रहा है आपको। अब हम पिलपिलो पहुंच गए हैं। पिलपिलो का देखिएगा, ये स्कूल है वो सामने जो दिख रहा है वो पिलपिलो का स्कूल है, और उसके बगल में ही ग्राउंड है बड़ा सा, जो स्कूल का ही ग्राउंड है। तो अब हम पहुंच गए हैं पिलपिलो। मैंने कोशिश तो की है कि मैं सब कवर करूं। अब देखिए आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पिलपिलो का वीडियो कैसा लगा। ये ग्राउंड है, यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह भी करते, जब भी कुछ भी प्रोग्राम होता है क्रिसमस का या कुछ भी, तो यहाँ पर करते हैं। वैसे मैं कभी अटेंड नहीं करी हूँ, मैं देखी हूँ मतलब फ़ोटो वगैरह में या बताते हैं। ये है कम्युनिटी हॉल पिलपिलो की, यहाँ से बस वापस जाएगी, फिर उसके बाद वो यहाँ से फिर सीधा शायद चले जाएगी, मुझे आइडिया नहीं है कि वो ककाना होके जाएगी या नहीं, नहीं शायद चले जाएगी, मुझे भी नहीं पता। तो ये अब हम यहाँ पर उतरेंगे, यहीं पर लास्ट बस जाती है, इससे आगे भी रोड है लेकिन वहाँ तक बस नहीं जाती है। यहाँ वहाँ सिर्फ विलेज है, मतलब घर है, शेल्टर वगैरह है, तो यहाँ सारे लोग यहाँ पर जमा होते हैं, यहीं से ही बस चढ़ते हैं। तो यहाँ से बस अभी वापस घूम रही है। ये देखिए अब हम उतर गए। मैं आई थी हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और मुख्य सेविका मैडम के साथ में मैं आई थी अपना प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि उनका भी प्रोग्राम था तो मैं उनके साथ ही आ गई थी। मुझे भी प्रोग्राम करना था तो मैं बोली ऐसे प्रोग्राम तो है, साथ में मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा दूँगी। तो मैं पूरे दिन मैं इनके ही साथ थी, मेरे साथ में इस बार कोई मतलब मेडिकल के स्टाफ नहीं थे, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम था तो मुझे करना था। तो मैं सोची मैं अकेली चले जाती हूँ, क्योंकि और उनका नहीं था प्रोग्राम, तो मैं जो जा रहे थे उनके साथ, क्योंकि विलेज जाना अकेला जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं किसी को पार्टनर ही ढूंढते रहती हूँ। तो मुझे पार्टनर मिल गए तो मैं निकल गई। तो मुझे मुख्य सेविका मैडम ने अपना जो भी शेड्यूल भेज के रखा हुआ था कि वो कब कब कहाँ कहाँ जाने वाली है, तो मैं सोची मैं इनके साथ ही चली जाऊँगी करके।
तो मैं इनके साथ ही गई थी। ये यहाँ का आंगनवाड़ी है गाइस, देखिए यहीं पर हमने बैठकर ब्रेकफास्ट किया। बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट इन्होंने बनाया था, जो यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर है उन्होंने बहुत टेस्टी नाश्ता हमें बना कर खिलाया था। पूरी छोले पूरी हमने खाया यहाँ पर बैठ के। वैसे मैं अपना ले गई थी, फिर भी वो मैं रख ली कि 12 बजे के टाइम में या लंच के टाइम में, क्योंकि मैं रोटी ही बनाकर लेकर गई थी। ये देखिए गाइस, ये हमारा यम्मी यम्मी सा नाश्ता था, बहुत अच्छे से मैंने खाया, बहुत टेस्टी बनाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत इंजॉय करके खाया ब्रेकफास्ट। साथ में हमारी जो मैडम थी, मुख्य सेविका मैडम, वो डोसा भी लेकर आई थी, तो वो भी शेयर करके हम मिल के खाए। मैं अपना टिफ़िन नहीं निकाली क्योंकि बहुत सारे खाने के आइटम्स थे, तो मैं सोची अभी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं सोची शायद लंच के टाइम में, मुझे आइडिया नहीं था कि लंच भी यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम था गाइस कि उस दिन मंडे थी, तो मंडे के दिन में मैं नॉनवेज नहीं खाती और वहाँ पर सिर्फ नॉनवेज ही बनी हुई थी। अच्छा हुआ मैं अपनी रोटी रख ली थी, जिससे कि मैं 12 बजे उसे खा ली। तो ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पर ही अभी हमारा प्रोग्राम होने वाला है। विलेजर सब धीरे धीरे करके आएंगे, फिर हमारा प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम ना हमारा घूमना फिरना चालू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बस अभी शाम को ही आएगी, तब तक हमें यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती, घूमने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो हमने बहुत घूमा। मैं सच बोलूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं गई थी जहाँ मैं कुछ अलग अलग सा पिलपिलों में देखी, मतलब अलग अलग जगह देखी जहाँ मैं कभी गई नहीं। आपको मैं दिखाऊंगी धीरे धीरे वो सब जगह। मैं इतने साल में, मेरे अभी 7 साल हो चुका है, मैं पिलपिलों में वो सब एरिया कभी नहीं गई थी। इस दिन ही मैं गई थी, वो भी मैं सोची, मुझे जाने को दिल तो नहीं था, लेकिन मैं सोची आप लोगों को दिखाना है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो फिर मैं गई, मैं बताऊँगी कौन कौन से जगह मैं पहली बार गई। बहुत नहीं, एक जगह ही मैं गई थी जहाँ पर मैं पहली बार ही गई थी। आप देखेंगे तो आपको भी वो जगह अच्छा लगेगा। ये हम यहाँ का कम्युनिटी हॉल है, वैसे यहाँ के हर कम्युनिटी हॉल वैसे ही है जैसा सब जगह विलेज में बना हुआ है। ये स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल तो मैंने आपको दिखाया सामने में ही है, तो वहाँ से बच्चे ऐसे ही पैदल आना जाना करते हैं। अभी तक कोई नहीं आए थे, बस आई हुई थी, तो फिर सब धीरे धीरे आए। बहुत अच्छा प्रोग्राम उस दिन हुआ, लोग बहुत जमा हुए, बहुत अच्छे से सब ने योगा भी किया, बाकी जो भी प्रोग्राम था सब अटेंड किए। बहुत अच्छा प्रोग्राम उस दिन हमारा हुआ, और उसके बाद हमने जो घूमना फिरना हमारा हुआ वो तो और भी अच्छा हुआ। तो पिलपिलो आके मुझे अच्छा लगा कि चलो मुझे थोड़ा कुछ नया देखने को मिला, क्योंकि मैं हमेशा तो पिलपिलो ककाना मेरा तो जाना आना लगा रहता था पहले। अभी मैं बहुत कम ही आना जाना करती हूँ, लेकिन बहुत टाइम के बाद आई तो अच्छा लगा। और दूसरा बात कि मुझे कुछ कुछ नया देखने को भी मिला, तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए पोषण माह का प्रोग्राम था, तो ये सारे जो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है वो डेकोरेट कर रहे हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं यहाँ के, मतलब कुछ भी चीज़ बहुत अच्छे से सजा कर रखते हैं और अच्छे अच्छे डिश भी बनाते हैं। हमने बहुत सारा प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत सारे विलेज में अटेंड किए, देखा मैंने बहुत अच्छा डिश वगैरह बनाते हैं, और मुझे बहुत कुछ कुछ मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। वहाँ जब भी वो मुझे दिख जाती है तो मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी बनाते हैं। ये सारे हमारे साथ ही आए हुए थे, कुछ कुछ यहाँ के लोग हैं, कुछ कुछ मैडम अपने साथ लेकर आई थी, जो कम मतलब अलग अलग विलेज के जो वो आंगनवाड़ी वर्कर है। ये हमारी पिलपिलों की CHO है, उसे बैठे बैठे नींद आ रही है। देखिए प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका था, ये हमारा लास्ट का है। हम ऐसे ही बैठे हैं, सब हमने अपना दुकान हटा दिया, अब हम बैठे हैं, तो हमारे CHO को नींद आ गई बैठे बैठे। ये देखिए अब हम निकल रहे हैं, हमारा प्रोग्राम हमने ख़त्म कर दिया था, उसके बाद हम जा रहे हैं वापस आंगनवाड़ी के, वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, फिर घूमने के लिए निकलेंगे। बस उस दिन हम पागल की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे थे, पर बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा पिलपिलो घूमकर। पहली बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक जगह आपको दिखाऊंगी, वो वैसे आप लोगों के लिए वो जगह कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन हम जो एरिया में रहते हैं कमोठा आइलैंड, वहाँ पर वो एरिया देखना थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वैसा हमारे यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम नहीं, वहाँ है ही नहीं, मैं तो कभी देखी भी नहीं हूँ। वो देखने से ऐसा
इतना अच्छा लग रहा था, वहीं पर ही बैठे रहे ऐसा मुझे लग रहा था। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ से जहाँ अभी आंगनवाड़ी थी ना गाइस, वहाँ से आगे मैं गई नहीं थी। अब हम आंगनवाड़ी से आगे जा रहे हैं। आंगनवाड़ी आपने देखा ना, आंगनवाड़ी से हम सीधा निकल रहे हैं। हम बस मैं गई, जब भी आई हूँ आंगनवाड़ी तक ही आई हूँ, उससे आगे मैं कभी नहीं आई हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ आंगनवाड़ी से आगे। ये सब एरिया दिख रहा है ना गाइस, ये मैं पहली बार ही देख रही हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये है पिलपिलो विलेज। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ अंदर में भी इतने सारे शेल्टर्स हैं। मुझे लगा था कि वो जो कम्युनिटी हॉल के पीछे ही सिर्फ शेल्टर्स वगैरह है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे भी इतने सारे शेल्टर्स। ये देखिएगा इस कितने सुंदर से सजा कर रखा है ऐसे घर। ऐसे बहुत तरह का घर यहाँ पर बना हुआ है। कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से मेनटेन करके रखे है ये सारे शेल्टर्स हैं। मैं ये सब पहली बार ही देख रही हूँ। देखिए है यहाँ पर भी विलेज, मतलब बहुत से लोग हैं रहने वाले, पर हम ज़्यादा विलेज के अंदर जाते नहीं, हमारा प्रोग्राम बाहर ही रहता है, तो हम उतना घूमने का मौका मिलता नहीं है। इस बार मिल गया तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो इस बार यहाँ पर वैसे कुछ कर नहीं सकते हैं घूमने का अलावा, क्योंकि या तो घूमिए या तो सो जाइए, फिर एक ही बार सुबह शाम के वक्त में उठिए, उठ के बस में चढ़ जाइए, यही कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर और कुछ दुकानें वगैरह नहीं है। एक छोटा सा दुकान जहाँ आप देखे थे, बस जहाँ पर रुका था वहाँ पर एक छोटा सा दुकान था, उसके अलावा यहाँ पर कोई दुकान वगैरह नहीं है। वही एक दुकान चलता है, शायद वहाँ पे स्नैक्स आइटम भी था, मैं देखी नहीं, मैं गई नहीं, लेकिन मुझे लगा शायद हो सकता, शायद कुछ राशन वगैरह मसाले वगैरह भी हो सकते। मैं गई नहीं वो दुकान, जब मैं वहाँ से क्रॉस जब बस से उतरे तो उतना ध्यान नहीं दिया, वहाँ बहुत भीड़ थी तो वहाँ देखी नहीं। रिटर्न में वो दुकान बंद हो चुकी थी, तो मैं सोची थी कुछ खाने के लिए ले लूँगी, लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी, तो फिर मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या क्या मिलता। फ़िलहाल वही एक दुकान है पिलपिलों में जहाँ पर कुछ कुछ सामानें मिल जाती है। तो ये सब है यहाँ के शेल्टर, इतने सारे शेल्टर हैं मुझे पता ही नहीं था। मैं सोची थी कि वहीं तक ही विलेज है, इतने अंदर तक विलेज है करके मुझे आइडिया ही नहीं था। तो मुझे आज ये देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो ये सब हमारी जो मुख्य सेविका मैडम जो सामने जा रही है ब्लू कलर की छाता पकड़ के, उनके मेहरबानी से वो सबको बोलती थी मुझे घुमाइए घुमाइए करके, इसीलिए हम घूमने हमें मिला। क्योंकि बाकी को उनको क्या है, वो हमेशा देखते हैं, तो उनको जाने को इतना मूड नहीं था, लेकिन मैडम बोली मुझे घूमना है। मैडम की मेहरबानी से ही मुझे ये सब देखने को मिला, क्योंकि उनके जो वर्कर्स थे वही हमें ले जा रहे थे घूमने के लिए यहाँ वहाँ। तो मैडम की वजह से ही हम जितने भी जगह पिलपिलों में गई, सब मैडम की वजह से। मैडम थैंक यू, आपकी वजह से मुझे कुछ कुछ नया नया देखने को मिला। अगर आप ये वीडियो देख रही है तो आपको थैंक यू। तो ये है यहाँ का, चलिए देखिए वो जो दिख रहा है छत दिख रहा है, ये यहाँ का पंप हाउस है जहाँ से पानी सारे विलेज में जाता है। तो यही एक देखने, ये जगह मैं पहले कभी देखी नहीं थी, कितना सुंदर सा ये जगह था। ये देखिए सब पानी है, यहाँ से सारे विलेज में जाता है पानी, ये पंप हाउस। ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये झरना है। जब बारिश आती है तो ये ऐसा कुछ ऐसा व्यू हो जाता है जो देखने लायक रहता है गाइस। मुझे तो इतना अच्छा लगा था, मैं गई अरे बाबा ये भी यहाँ पर है क्या, मुझे तो पता नहीं। मैं जब मैं अपने मोबाइल के स्टेटस में लगाई थी व्हाट्सअप में, सब बोल रहे थे आपको कहाँ से वाटरफॉल मिल गया करके। मैं बोली हाँ मैं गई थी, मैं ऐसा जगह गई वहाँ पर है, लेकिन ये हर टाइम नहीं होता है गाइस, जब बारिश आती है तभी होता है, बाकी समय वो पानी सिर्फ जहाँ पे वो लगा है पक्का वहीं तक ही रहता है। जब बारिश होती है तो इस तरह बहने लग जाता है, तो बहुत सुंदर व्यू हो जाता है। तो हमने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया, और सच में ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिसने भी ये मेरे फ़ोटो पे देखा था मेरे स्टेटस में, तो सब बहुत चौंक गए थे कि ये जगह आपको कहाँ से मिल गया करके। मैं तो फिर कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती हूँ अपना घूमने का जगह, तो ये भी मैंने निकाल लिया। देखो अब मैं भी शुरू हो गई एंजॉय करना। मुझे तो नहाने को मन कर रहा था, लेकिन मैं अपने लिए साथ में कपड़े वगैरह नहीं ले आई थी, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। अगर साथ में मेरे एक्स्ट्रा कपड़े होते तो ज़रूर मैं वहाँ पर कूद जाती पानी में। ये देखिए हम सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि यहीं पर ही बैठे रहे। कितना सुंदर सा लोकेशन दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, देखिए सामने से ही पता चल रहा है कितना सुंदर है। जब मैं फ़ोटो में डाली थी तो और भी सुंदर लग रहा था। सब इंजॉय कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये था एक मेरा नया जो मैं पिलपिलों में पहली बार देखी थी। अब हम वापस जा रहे हैं, जो हमारे सामने आंगनवाड़ी वर्कर्स जा रहे हैं वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनको यहाँ नहीं आना था। हम और मेरी मैडम जो
मुख्य सेविका मैडम, हम जबरदस्ती उनको लेकर गए। अब हम दूसरा, मतलब उनको तंग करने के लिए और दूसरी जगह जाने को उनको हमने रिक्वेस्ट किया, हम जा रहे हैं अब बीच। ये देखिए अब हम गाड़ी पर बैठ गए, लेकिन बीच हम पैदल नहीं जा सकते, बहुत दूर है, ऊपर से बहुत धूप भी थी। तो हमने एक गाड़ी, पिलपिलों की ही गाड़ी है, किसी शायद कैप्टन वगैरह किसी के गाड़ी है, तो हमने उनसे, मतलब हमने नहीं, जो यहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर है उनके हस्बैंड रिक्वेस्ट करके गाड़ी को बोले अब हम जा रहे हैं बीच। तो आपको आज पिलपिलो बीच भी मैं दिखा दूंगी। तो शायद मैंने तो पूरा कवर कर ही दिया है पिलपिलो, कुछ छूट गया है तो फिर आप कमेंट्स करके, जो पिलपिलो के रहने वाले हैं, ज़रूर बताना कि मैं कुछ छोड़ तो नहीं दी। मैं जितना कवर कर सकी उतना कवर करी। विलेज तो मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गई, कुछ कुछ ही। ये देखिए गाइस, ये है हमारा सब सेंटर। नहीं गाइस, ये सब सेंटर नहीं है, ये देखिए ये है वेलनेस सेंटर जो पिलपिलो की है। ये है हमारा वेलनेस सेंटर। जब मैं बस से आ रही थी तब मैं उस साइड बैठी हुई थी, तो आप नहीं, आपको नहीं दिखा पाई थी। अब मैं इस साइड बैठी हूँ क्योंकि मुझे दिखाना था। ये सारे कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स के क्वार्टर वगैरह है, और पुलिस वाले भी यहाँ पर ड्यूटी में आते, मेरे हस्बैंड भी कभी कभार पिलपिलो आते हैं। तो यहाँ ये मैं बोली थी ना पिलपिलो की शुरुआत, ये घर। अब यहाँ से एक रास्ता जाता है बीच की तरफ, मैं बताई थी आपको कि बीच की तरफ जाता है। ये है पुलिस का जो क्वार्टर्स है, मेरे हस्बैंड भी कभी कभी यहाँ पर ड्यूटी में आते हैं, उनको भी यहाँ पर ड्यूटी लगती है, तो वो आते हैं, फिर शाम को ही जाते हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। ये देखोगे इस कितनी सुंदर लोकेशन है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बाहर ही आ गई हूँ, मैं अंडमान या कमोटा में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर में आ गई हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था जब मैं ये जो दिख रहा था जो व्यू। ये है पिलपिलो का बीच जहाँ पर लोग सब पिकनिक में आते हैं, पिकनिक स्पॉट है। ये देखिए बहुत अच्छा हुआ करता था, अभी कोई मेंटेनेंस नहीं है, हट वगैरह अच्छे से बने हुए थे, साफ़ सफाई भी अभी कुछ नहीं है, अभी बारिश की वजह से कीचड़ भी पड़ गए है। देखिए कितनी तो मुश्किल से हम यहाँ से गए, लेकिन बहुत अच्छा जगह था ये, पर अभी कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो गया है, सारे कचरे वचरे आ गए, फिर भी लोग आते हैं। इससे थोड़ी से आगे और बीच है, मतलब यहीं से थोड़ी दूर जाने से थोड़ा, वहाँ पर ज़्यादातर लोग पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं पैदल ही, मतलब यहाँ उतर कर हम अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के जो भी खाना वगैरह है वो लेके हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने की अच्छी सुविधा नहीं, बस एक हट है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हट में बैठ भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम ऐसा जगह ढूंढते हैं जहाँ पर बैठने की भी जगह हो। यहाँ पर खुला खुला है तो यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर कोई पिकनिक नहीं बनाता। वैसे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, जो ऐसे कम लोग होते हैं तो घूमने के लिए आते हैं, खाते पीते चले जाते हैं, लेकिन हम लोग जब मेडिकल की टीम आते हैं तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये देखिए मैं अपना, मेरा हालत बहुत बुरा हो गया था क्योंकि मैं ऐसे धूप धूप में घूम रही थी, और ऊपर से बहुत धूप थी और पसीना। और हम लोगों के लिए ये जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है पिलपिलों की, वो हमने कोकोनट लेके आए, हमने इंजॉय किया। ये तो कहाँ, ये तो कभी छूट नहीं सकता गाइस, क्योंकि यहाँ पर यही तो फेमस है, एक कोकोनट। ये नहीं पिया तो फिर क्या पिया, कमोटा आया और कोकोनट नहीं पिया तो क्या पिया। और यहाँ की जो कोकोनट है वो तो फिर वैसे ही बहुत टेस्टी रहती है, तो इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए गाइस। ये देखो मैं कितने अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, और ऐसे धूप में पीना और ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटा सा था कोकोनट लेकिन पानी बहुत थी, मेरा हो गया, एक में ही हो गया था। ये सब हट कितने अच्छे, एक टाइम में अच्छा हुआ करता था, अभी कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसलिए देखो गाइस, देखिए समुंदर कितना सुंदर ब्लूइश, एकदम ब्लू ब्लू सा दिख रहा है एकदम व्यू। अभी तो बहुत धूप पड़ रही थी, तो ऐसा रेत भी सेक मार रही थी, तो मुझे जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं बोली चलिए आप लोगों को थोड़ा सा समुंदर भी दिखा देती हूँ, यहाँ की जो पिलपिलों की, यहीं पे ही लोग पिकनिक में आते हैं। देख लीजिए यहाँ पर नहाते हैं समुंदर में, इंजॉय करते हैं। यही एक है जहाँ पर कमोटा का ज़्यादातर पिकनिक के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, बस का जो रूट है उसके लिए ये बेस्ट है। ककाना जो है वहाँ पर थोड़ा अलाउ नहीं है, वहाँ के कैप्टन्स पिकनिक या कुछ के लिए वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। सिर्फ एक पिलपिलो है जहाँ पर आप जा सकते हैं पिकनिक वगैरह के लिए, इसमें जाने में कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। यहाँ पर आते हैं हर संडे, बहुत लोग आकर पिकनिक वगैरह मना कर जाते हैं बच्चों के साथ में। हमारा तो बहुत वक्त हो गया है अभी यहाँ आकर मनाए, प्लानिंग हम भी करेंगे, सोच रहे हैं कभी पिकनिक का यहाँ पर। ये यहाँ पर
विलेज जो यहाँ के विलेजर्स हैं उनके बोट वगैरह रखे हुए हैं यहाँ। अब हम वापस जा रहे हैं। ये था यहाँ का बीच गाइस। पहले वही अगर पहले मैं कभी वीडियो शूट नहीं करी थी तो अगर पहले का कोई वीडियो होता तो शायद मैं आपको दिखा देती कितना सुंदर था पहले यहाँ का व्यू, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत बुरा हो चुका है। आप भी सोच रहे होंगे बहुत सुंदर ये बीच है बोल रही थी और उसका हालत कितना बुरा है। तो यही है गाइस यहाँ का जो हमारा बीच है पिलपिलों का, जहाँ पर हम पिकनिक्स आते हैं। पहले तो अच्छा हुआ करता था, फिर भी जो बीच है तो बीच है, कहीं भी बीच हो बीच पर जाते हैं तो वैसे ही हमें शांति मिलती है। तो ये बीच में जाना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये है पिलपिलों का बीच जहाँ पर सारे कमोटा के लोग पिकनिक वगैरह के लिए आते थे। तो अब हम वापस आ गए हैं, ये देखिए गाइस विलेज की तरफ। गाड़ी से हम आना जाना किए इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर हम पैदल आते तो हमारा बैंड ही बच जाता। ये गाड़ी अभी हम गाड़ी है यहाँ पर वो शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर हमें आने जाने के लिए मिल गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। हम कहीं घूम, मुश्किल कुछ नहीं होता, बस हम घूम नहीं पाते और आपको मैं कुछ मतलब बीच वगैरह दिखा नहीं पाती, क्योंकि बीच जाना बोलने से अलग से ही हमें प्लानिंग करके ही जाना पड़ता। विलेज से बीच, बीच से विलेज जाना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर हम पिकनिक के लिए आते तो मैं विलेज नहीं दिखा पाती बीच में, अगर बीच बीच में हम पिकनिक के लिए जाते तो हम मैं विलेज नहीं दिखा पाती, और अगर विलेज आई तो फिर मैं बीच नहीं दिखा पाती। यही होता अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होता तो, मुझे गाड़ी मिल गया था तो हम लोगों को गाड़ी मिल गया था तो थोड़ा हम दोनों कवर कर लिए। तो शुक्र है कि कवर हो गया, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो भगवान की दुआ से हमें गाड़ी मिल गई जिससे हम घूम पाए। और अब हम जा रहे जो हमारी पिलपिलों की आशा, सॉरी मेरे मुंह से बार बार आशा वर्कर निकलती है, क्योंकि मैं मेडिकल, वो हमारे मेडिकल के होते हैं तो ज़्यादातर मुझे वही निकलता है। तो ये है हमारे आंगनवाड़ी वर्कर के घर जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा लंच बना हुआ था पर मैं नहीं खा पाई, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर नॉन वेज ही खाते हैं। और कोई आएंगे तो खाने का तो बात छोड़ दीजिएगा, ऐसा कोई भी किसी को बुलाते हैं तो नॉन वेज ही बनाते हैं। तो यहाँ पर भी नॉन वेज ही बना हुआ था, उनको नहीं आइडिया था कि वेज हो सकते हैं करके। तो फिर हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे मैं अपना लंच ब्रेकफास्ट सब कैरी कर लेकर आई थी, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा कि हम नहीं खाए, पर हमें अच्छा लगा कि वो हम लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट किए, क्योंकि ये सब एरिया में खाने वगैरह का अरेंजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे कुछ मिलता भी नहीं है और मतलब कोई ऐसे जॉब में कुछ ये आशा वर्कर ही, आंगनवाड़ी वर्कर ही है, उनका इतना सैलरी होता नहीं है। तो और उनके जो हस्बैंड है वो भी ऐसे ही मतलब अपने जो घर के काम वगैरह बगीचा वगैरह वही करते हैं, तो उतना उनका मतलब किसी के लिए अपने लिए बनाने ठीक है, लेकिन सबके लिए बनाना थोड़ा सा, और हमेशा अगर हम प्रोग्राम के लिए गए तो फिर हमेशा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो अच्छे थे, मैं जब पहले भी इनके घर आ चुकी है, क्योंकि पहले भी इनके घर में ही खाना बना हुआ था जब हम आए थे पहले। खाना शायद मुझे आइडिया नहीं है बना था या नहीं, लेकिन मैं इनके घर आई हूँ। ये हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है जो पिलपिलों की, उसका घर है, तो हम यहाँ पर ही बैठकर खाए। तो ये हम लोगों के लिए बाहर में चेयर वगैरह लगा दिए थे क्योंकि हम वेज थे, और बाकी अंदर बैठकर खा रहे थे जो बाकी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर है जो हमारे साथ आए थे, वो उनके घर के अंदर में बैठकर खा रहे थे। हम और मैडम भी वेज थी, तो वो हम दोनों बाहर बैठकर ही अपना जो भी लेकर आए थे वो खा रहे थे। ये हम लोगों के लिए कुछ कुछ तोड़ कर दे रहे थे, क्योंकि हम तो विलेज जाते हैं तो कुछ कुछ बटोर कर ले जाते हैं। तो क्या कहते हैं आमड़ा, हम मुझे तो इतना ही पता है कि उसे आमड़ा कहते हैं। खट्टा रहता है, आम के जैसा होता है पर वो गोल रहता है, गोल नहीं थोड़ा सा लंबा अंडा का शेप में होता है। तो वो यहाँ पर बहुत मिलती है, मैं पहले भी यहाँ पर आई थी तो यहाँ से बहुत लेकर गई थी, तो इस बार भी मैं ले जा रही हूँ। मैडम भी ले जा रही थी, मैडम को चाहिए था तो मुझे भी थोड़ा सा मिल गया। वैसे उतना मुझे वो पसंद नहीं है, फिर भी ये सब बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं बोली ठीक है थोड़ा सा एक दो मैं भी ले जाती हूँ। तो मैं भी लेकर गई, कुछ कुछ मुझे यहाँ मिला, सब्ज़ी वगैरह भी मिला। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी वैसे उगाते, लेकिन अभी पूछी थी तो बोल रहे थे कि अभी बहुत टाइम सब्ज़ी नहीं लगा रहे हैं,
तो सब्जी कुछ कुछ मुझे मिला जो पोषण माह में रखे थे, तो वो ले आए थे, तो मैं उनको बोली थी मैं इसका पेमेंट कर दूंगी, तो वो बोले रहने दीजिए ये मेरा खुद का है तो नहीं चाहिए करके नहीं बोले। तो मैं लौकी वगैरह कुछ कुछ सब्ज़ी यहाँ से लेकर गई थी। पिछले बार मैं पहले एक बार आई थी तो उस टाइम में मुझे सब्ज़ी मिला था, मैं पे करके ही सब्ज़ी वगैरह लेकर गई थी, बहुत सारा सब्ज़ी मुझे मिल गया था। इस बार मुझे मिला नहीं, बस एक लौकी मिला था, वही मैं यहाँ से लेकर गई थी। तो विलेज जाती हूँ तो कुछ कुछ मैं ले जाती हूँ, और कटहल, हाँ मुझे कटहल भी मिला था। ये अब हम वहाँ से लंच वगैरह करके वापस आ रहे हैं, अभी हमारा बस का समय हो गया था इसलिए हम वहाँ से बाहर निकल गए, कि हम वहाँ ऐसी बस थोड़ी देर रुकती है फिर वापस चले जाती है, बहुत देर नहीं रुकती है, इसलिए हम सोचे बाहर ही आ जाते हैं, यहाँ पर रहते कितनी देर वहाँ बैठेंगे, वैसे भी वहाँ लेटने को भी मन नहीं था। ये देखिए गाइस, हम आंगनवाड़ी में थोड़ा देर बैठे थे, उसके बाद हमारा बस आ चुका था, तो अब हम बस से जा रहे हैं। शायद 3 या 3:30 के आसपास था जब ये बस वहाँ पर आई हुई थी, और हमें पहुँचते पहुँचते तो 6 बज गया था शायद। बस ये देखिए अब मैं बैठ गई हूँ बस में, हम जा रहे हैं वापस कमोटा की तरफ। ये हम पिलपिलों को टाटा बाय बाय करके अब मैं जा रही हूँ कमोटा। इस तरह का मेरा पिलपिलों का सफ़र था, और मैं घर पहुँची। ये देखिएगा इस मैं पहुँच गई घर, 6 बजे के वक्त था। तो इस तरह था मेरा सफ़र, आपको कैसा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू।